नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर के प्रायोजक हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुरदास कामत का दुखद निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। दिल्ली के चाणकपुरी के प्राइम्स अस्पताल में उनके निधन होने की खबर है। अधिक जानकारी लेते हैं खबरदार के पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट किरण हेगड़े जी से। गुरदास कामत जी तो बहुत एक्टिव कांग्रेस के नेता थे और पिछले कम से कम 5 बार तो वो लोकसभा के लिए सांसद करके चुने गए थे जी। मुंबई कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इतने एक्टिव नेता जो थे कि कल ही वो रात में जो सोनिया गांधी जी हैं उनके एक जमाने के मतलब उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे जिनका पद कल ही उनको उस पद से निष्कासित कर दिया था जो नए अध्यक्ष है राहुल गांधी जी ने और उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया था, तो उनको मिलने के लिए कल वो दिल्ली गए थे और वो दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने रात में ईद के लिए लोगों को शुभकामना भी दी ट्विटर के ऊपर और आज सवेरे 7 बजे के करीब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको दिल का दौरा पड़ गया। उनको चाणक्यपुरी के एक अस्पताल में ले गया अस्पताल में जी। हाँ, उनको ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई जी। तो चुनाव से चंद महीने पहले उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी को मतलब महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में वो मुंबई कांग्रेस में काफी एक्टिव थे। उनका एक गुट यहाँ पर कार्यरत था जो अभी के जो विद्यमान अध्यक्ष हैं संजय निरुपम जी, वो उनकी और गुरुदास जी की बनती नहीं थी जी। पिछले मनपा चुनाव में भी ये दोनों के जो मतभेद है वो उभर के सामने आए थे जिसको बाद में दोनों में ये मतभेद सुलझाने के लिए कांग्रेस के एक निरीक्षक दिल्ली से मुंबई आए हुए थे जी। और उनको राहुल गांधी ने भेजा था। ये गुरुदास जी का वैशिष्ट्य ये था कि वो राज्य मंत्री भी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह की सरकार में, लेकिन उनका जब उनके पास में होम का पोर्टफोलियो था जी। और उनको उस पद से दूर करके उनके पास में दूसरी जिम्मेदारी देने की जब बात सामने आ गई तो वो इस्तीफा दे करके निकल गए। वो सोनिया गांधी जी को मानते थे लेकिन उसने ही वो राहुल गांधी जी को उस लेवल पे नहीं देखते थे। वो राहुल गांधी जी ने उनको जब संजय निरुपम के मामले में जब संजय निरुपम का पक्ष राहुल जी ने लिया तो उन्होंने उनके पास में राजस्थान और मध्य प्रदेश का कार्यभार भी उनके पास में था, वो वहां के इंचार्ज थे, तो वो पद पे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी हाल ही में उनके पास में मतलब हाल में देखा जाए तो उनके पास में ऐसा कोई भी पद नहीं था जो कांग्रेस में कुछ ज्यादा महत्व रखता हो। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की बात है तो मुंबई के बात में एक संजय निरुपम के एक्टिविटी में गुरुदास कामत जी एक बड़े रोड़ा बन करके हमेशा सामने दिखते थे, जो कि अभी देखा जाए तो एक तरह से राजनीति हल्के में संजय निरुपम जी का वो रोड़ा दूर हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर क्षति पहुंची है तो कांग्रेस को ही पहुंची है। और पिछले करीब डेढ़ दो साल से आप पार्टी में हाशिए पर फेंक दिए गए थे जब से संजय निरुपम ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला, तो क्या ये तनाव की वजह से कुछ उनको ऐसा कुछ हो सकता है कि हार्ट अटैक आया हो? नहीं नहीं, वो एकदम मतलब बहुत सीनियर और एकदम सीजन पॉलिटिशियन थे, ऐसे छोटे मोटे तनाव से विचलित होने वाले में से नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ठीक है, ये प्राकृतिक स्वभाव है या ऐसा कुछ है, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, केवल 63 साल में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन अगर पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो पार्टी के लिए तो ये बड़ी क्षति ही मानी जानी चाहिए जी। कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो दूसरी पार्टी जैसे शिवसेना है, भाजपा है, उन पार्टी के नेताओं के साथ उनका संबंध किस तरह का रहता था?
उनका संबंध हर एक पार्टी के नेताओं से अच्छा रहा, लेकिन वो जो भी बात है वो सामने से बोलते थे, तो जिसके कारण इलेक्शन में और चुनाव में और बाकी के कोई भी जगह पे, कोई भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे वो मतलब क्या अपनी दोस्ती अलग जगह में और राजनीतिक तो विचार है, व्यक्तिगत रिश्ते अलग और राजनीति अलग, हाँ राजनीति अलग, उस हिसाब से ये करते थे। इसलिए बीच में काफी अटकलें लगा रहे थे लोग कि ये पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने फिर ट्वीट करके ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं पक्का कांग्रेसी हूँ और मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा। जी, और कल उन्होंने ट्वीट भी किया जो है बकरीद की शुभकामनाएं दी लोगों को, उसके बाद में इस तरह की घटना घटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल उन्होंने ट्वीट किया था जो ईद आज वो ईद के लिए उन्होंने आम लोगों को मुबारकबाद दी थी, उनको ये उत्सव जो है बहुत धूमधाम से मनाने के लिए कहा था, सबको शुभकामनाएं दी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज सवेरे दिन निकलेगा तो गुरुदास जी हमारे बीच में नहीं रहेंगे, और काफी मुस्लिम समाज के काफी फॉलोअर्स हैं जो गुरुदास को मानते हैं, जो ईशान्य मुंबई में भी उनके काफी फॉलोअर्स हैं, और वैसे ही ये जो वायव्य मुंबई लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर मध्य और वायव्य, तो उसमें भी उनके काफी फॉलोअर्स हैं। और जब पिछले 6 महीने पहले ही उन्होंने एक पूरे मतदार संघ में, लोकसभा मतदार संघ में उन्होंने कई रैलियां की थी, एक के बाद एक सब रैलियां चल रही थी, लेकिन अचानक उनको पार्टी हाईकमांड से कुछ सिग्नल मिल गया कि जिसके कारण उन्होंने वो जो रैलियां का जो सिलसिला चलाया था उसको अचानक से रोक दिया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी जानकारी देने के लिए। गुरदास कामत को एक सुलझे हुए नेता माना जाता है, जन आधार वाले कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने वाला नेता थे वे, और उनके निधन से कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। किरण एगरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखते रहिए खबरदार।